ऐसे में अब मैं सवाल विक्रम लोहिया जी आपसे कर रही हूं, क्योंकि अब तो मेन फ्रेम में केजरीवाल आ गए। अब तक तो हम राहुल, प्रियंका, उनके बयानों की, उनके अटैकिंग मोड को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या लाइमलाइट केजरीवाल चुरा ले गए क्या? कुछ असहज कंडीशन में दिख रही है कांग्रेस। क्या देखिए, केजरीवाल जी जो हैं हमारे गठबंधन का हिस्सा हैं, और गठबंधन लड़ रहा है एक तानाशाही के खिलाफ, और गठबंधन में जितने नेता हमारे साथ खड़े हैं वो मजबूती से अपनी पार्टी के साथ, देश की जनता के साथ खड़े हैं। हम विश्वास जताना चाहते हैं संविधान में। हम जानते हैं किस प्रकार से आज देश के असली मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भटकाया जा रहा है। बात फिश की मटन की हो रही है, बात हो रही है कि भ्रष्टाचार पे होनी चाहिए थी, बात जो है बढ़ती महंगाई पे होनी चाहिए थी, बात जो है महिला सुरक्षा पे होनी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं मटन की, फिश की, मंगलसूत्र की, गोल्ड की, आपकी भैंस ले ली जाएगी। अरे प्रधानमंत्री जी, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। आप कहते हैं शहजादे की उम्र से कम कांग्रेस की सीटें आएंगी, मैं कह रहा हूं 75 आपकी उम्र है, होने जा रही है आपकी, उससे डबल सीट से ज्यादा नहीं आने वाली, हम आपको डबल दे रहे हैं आपकी एज से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश की बात नहीं करती, मुद्दों की बात नहीं करती, बात कर दर्जा विपक्ष का पाने की बात करती है, लेकिन देश में बढ़ते हुए कर्जे की बात नहीं करती। मैं आज पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, पहले अमित शाह जी ने कहा कि चुनावी जुमला था 15 लाख, आप ये 75 साल की उम्र का भी जुमला ही बना दिया आपने। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। आप देश को जुमला देने के लिए आए हैं क्या? आप जो 2014 में गारंटी लेकर के आए थे वही गारंटी आज 2024 में दिल्ली कैसे संभालेंगे? यहाँ तो आपका गठबंधन ही गड़बड़ाया हुआ है ना, आपका स्थानीय नेतृत्व कहाँ सपोर्ट लेना चाह रहा है केजरीवाल की? देखिए, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, जिस गठबंधन के आधार पे सीटें बांटी गई हैं, उस गठबंधन के अंदर हम जिस सीटों पे लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती से जीत रहे हैं, और दिल्ली की 7 सीटों पे इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है। हम ऐसे नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी खुद आपके जो मोदी जी के वो सवाल उठा रहे हैं, हम नहीं चाहते स्थानीय जो कांग्रेस के लोग हैं वो नहीं है इस बात के समर्थन में कि आप केजरीवाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। 2017 में नतीजा है ना, पंजाब में अलग अलग खड़े हैं आप। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, 2017 में लवली जी कांग्रेस छोड़ के गए, 18 में वापिस आए, 19 में उनको लोकसभा लड़ाया, पार्टी ने उनको 2 बार अध्यक्ष बनाया। अभी उनको टिकट मिल गई होती नॉर्थ ईस्ट सीट से तो गठबंधन बढ़िया था। उन्होंने टिकट अप्लाई किया, और टिकट अप्लाई में जब एज अ प्रदेश अध्यक्ष पैनल भेजते हैं तो पैनल में अपना सिंगल नाम भेजा उन्होंने, अगर उनके नाम पे मोर लग गई होती तो गठबंधन बहुत बढ़िया था। यह पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि गठबंधन होना है, किससे होना है, किससे नहीं होना है। लेकिन शराब नीति में ताल भी तो ठोकने वाले आप ही सबसे पहले थे ना, कि भाई हम ही सबसे पहले इस मामले को सामने लाए, अब कैसे जनता के सामने जाएंगे? आदरणीय, बिल्कुल हमने ताल ठोकी थी, हमने शिकायत की थी, हमने ये भी शिकायत की थी कि उपराज्यपाल जो तत्कालीन साहब अनिल बैजल साहब थे, उन्होंने वो लिखकर पॉलिसी कैसे पास कर दी, जब इनकी विदेश जाने की फाइलों को रोकते थे, जब इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोकते थे, तो लिखकर पॉलिसी को कैसे पास कर दिया? 150 से ज्यादा इनके पार्षद थे, 7 इनके सांसद थे, 8 इनके एमएलए थे, क्यों नहीं सड़कों पे आ गए थे? लिखकर पॉलिसी की दी हुई कंपनी को, जिसको टेंडर मिला सोम डिस्लरी कंपनी से, उन्होंने 2 करोड़ से ऊपर का चंदा लिया सेम टाइम में। हाँ, ये बहुत ये गंभीर विषय है, उपराज्यपाल साहब ने लिखकर पॉलिसी पास कराई, चंदा लिया। और अब एक बात तो माननी पड़ेगी, जिस तरह से